गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर डिस्कस रिलेशन बिटवीन सेल्सियस फारेनहाइट एंड केल्विन, वी आल्सो बी डिस्कस रिलेशन फारेनहाइट सेल्सियस एंड सेल्सियस केल्विन। इन टुडे लेक्चर वी एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन फारेनहाइट एंड केल्विन। ओके, जस्ट मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन बताया था कि हमारा सेल्सियस और फारेनहाइट में, सेल्सियस और केल्विन में मैंने आपको रिलेशन मैंने आपको बताया था कि हमारा ये दोनों में हमारा रिलेशन हमारा क्या होता है, C by 100। ये सभी प्रीवियस लेक्चर की बातें थी। मैं एक बार सोच रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ उसे, K-273। क्लियर? C का वैल्यू निकालना हो तो, अगर K का वैल्यू निकालना हो तो C+273 के बराबर। ये सभी प्रीवियस लेक्चर की बातें, राइट? आज हम लोग देखेंगे कि सेल्सियस फारेनहाइट और केल्विन के बीच में रिलेशन, ये सभी हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको दे चुका हूँ और आप इसे, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप इसे पढ़े भी होंगे। फारेनहाइट एफ का वैल्यू, जैसे हमको पता है कि F-32 और बाई 180 इज इक्वल टू केल्विन, K-273 अब बाई 100 के बराबर होता है। हम ऊपर इसको लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन, ये हमारा इस दोनों के बीच का हमारा रिलेशन है। क्लियर है? तो हम अब इसे चाहे तो मैथमेटिकली आप इसे सॉल्व आप इसे कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इससे ये आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9। यानी हम इसे चाहे तो F-32 बाई 9 इज इक्वल टू K-273/5 इतना लिख सकते हैं। क्लियर है? मार्कर थोड़ी कम चल रही है। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसे देख सकते हैं, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5 × F-32 और 9 से इधर से इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 9 × K-273। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। क्लियर? ये दोनों वैल्यू जो हमारी आई, सो आपका इक्वल वैल्यू आया। अब आप इसे चाहे तो F-32 आप लिख सकते हैं 5 को 9 के डिवाइड में भेज सकते, इतना आप लिख सकते हैं K-273। इतना आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं, F-32 इज इक्वल टू। क्लियर? अब इस वैल्यू को आप चाहें, केवल आप F का वैल्यू आप निकालना चाहें तो इस 32 को इधर प्लस कर सकते हैं, तो F इज इक्वल टू 9/5 और K-273 प्लस 32। इतना वैल्यू आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। और ये जो हमारी वैल्यू आई, सो हमारा क्लियर है, ये वैल्यू जो हमारी आई, हमारा फारेनहाइट और केल्विन के बीच का हमारा रिलेशन आया है। क्लियर है? अब इसी वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें
अगर ये हमने देखा कि अगर केल्विन में दिया है तो हम इस तरह से फारेनहाइट का सॉरी केल्विन में दिया है तो फारेनहाइट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसी वैल्यू को अगर हम के का वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से इसी वैल्यू से लेकर के, तो ये 9 आ करके इसके डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 9 इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी हम लिखना चाहें 5 बाई 9 इंटू एफ माइनस 32 और इज इक्वल टू के माइनस 273, राइट। इतना हम लिख सकते हैं, क्लियर। अब इसे फिर हम चाहें तो 5 बाई 9 और एफ माइनस 32 और 273 बराबर के, हम इसको चाहें तो इतना लिख सकते हैं, क्लियर। अब इसे हम चाहें तो इसलिए के बराबर के इज इक्वल टू 5 बाई 9 इंटू एफ माइनस 32 और प्लस 273 वैल्यू, ये वैल्यू जो हमारी हुई, सो हम इसे अगर आपको फारेनहाइट में दिया हुआ है तो हमसे केल्विन में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला है कि हम उसे चाहें तो केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपली सी बात है कि आप जैसे एग्जांपल के तौर पे आप 212 को आप ले सकते हैं कि अगर 212 को आप अगर केल्विन में आप बदल रहे हैं तो आपका 373 डिग्री अगर के अगर आपका वैल्यू अगर आ रहा है तो आप समझिए कि आपका वैल्यू ठीक है। अगर आप 273 डिग्री के जगह पे एक बार पुट कर रहे हैं अगर फारेनहाइट में, अगर वो 212 के इज इक्वल टू में अगर आप आ रहा है तो आपका वैल्यू आपका ठीक है। तो जस्ट मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इसे चेक कर देंगे, आप इसे अपने वैल्यू को पुट कर देंगे कन्वर्ट इनटू केल्विन में, आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे कितने को 212 डिग्री फारेनहाइट को कन्वर्ट इनटू केल्विन 200। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि आप 373 को कन्वर्ट इनटू फारेनहाइट इनटू डिग्री फारेनहाइट, यहाँ पे आपको फारेनहाइट में हम देते हैं और फारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे मैं आपको केल्विन में देता हूँ 200 केल्विन कन्वर्ट इनटू फारेनहाइट, इसको फारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो इस तरह से हमने देखे कि सभी एक दूसरे से रिलेशन हमारा जुड़ा हुआ है, सेल्सियस का केल्विन से, केल्विन का फारेनहाइट से, और सभी एक दूसरे का इस तरह से हम लोग को रिलेशन जुड़ा हुआ है। अब हम लोग इस कन्वर्शन पे आपको न्यूमेरिकल्स भी आपको आते हैं, यहाँ से आपको लेकर के आप 7th में पढ़ेंगे, फिर 9th में आपको चैप्टर तो नहीं पढ़ना है लेकिन इस कन्वर्शन को आपको पढ़ना है, फिर आपको 11th में आपको पढ़ना है हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स, आपको चैप्टर्स मिलेंगे उसमें आपको इस पे न्यूमेरिकल भी आपको बनाने हैं। तो इसलिए ये फार्मूला जो मैंने आपको डिराइव करके बताया, ये सभी फार्मूला को आप याद रखेंगे क्योंकि आपका न्यूमेरिकल इसी पे, ये आपका बेसिक है, जब तक आप बेसिक आपको बातें याद नहीं रहेंगी तब तक आप उसे याद नहीं रख सकते हैं और उसे फिर आप आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं और आपको ये न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन सकता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और एक जरा मैं आपको देखूं कि आपके बुक में क्या दिया हुआ है, आपका बुक भी है हमारे पास में कि आपके बुक में इस तरह का दिया है या नहीं। हाँ देखिए, कन्वर्जन ऑफ स्केल दिया हुआ है आपको
तो आपका एफ का वैल्यू जो आपके बुक में जो दिया हुआ है वो भी आपको दिया हुआ है, सी इंटू 9/5 प्लस 32 कन्वर्ट सेल्सियस, इसमें भी आपका दिया हुआ है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो आप चाहें तो बुक भी आप ले करके अपने घर पे बना सकते हैं। इसमें देखते हैं कि ज़रा आपको न्यूमेरिकल्स आपको दिया है कि नहीं, और आपको अगर कहीं न्यूमेरिकल अगर इसमें देता है तो मैं आपको दूंगा बनाने के लिए कि आप घर पे करेंगे या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आपको। हाँ देखिए, जैसे आप अपनी बुक को पलटेंगे, आप अपने बुक को पलटेंगे 92 पेज नंबर, तो उसमें दिया हुआ है कन्वर्ट द गिवन टेम्परेचर, कन्वर्ट द गिवन टेम्परेचर टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस, आपको फारेनहाइट में दिया हुआ है, आपको फारेनहाइट में दिया हुआ है, और 150 डिग्री फारेनहाइट और 48 डिग्री फारेनहाइट। कन्वर्ट द गिवन टेम्परेचर इंटू फारेनहाइट, फारेनहाइट में दिया है, सेल्सियस में दिया है तो फारेनहाइट में, सेल्सियस में दिया है तो फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और फारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से हमने देखे कि हम लोग कन्वर्जन पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, आप इसके बारे में स्टडी करके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।